हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कभी टीवी पर एक सीरियल आया करता था, कहीं तो होगा। उसका हीरो सुजल याद है आपको? शानदार एक्टर, हैंडसम लड़का, टीवी की दुनिया के चंद मशहूर चेहरों में से सबसे ऊपर, टीवी का सुपरस्टार भी कहें तो गलत नहीं होगा। हर कोई कहा करता कि ये तो आने वाले समय में अभिनय की दुनिया पर राज करेगा, सुपरस्टार बनेगा। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस हीरो का करियर ऐसा तबाह हुआ कि ये गुमनाम हो गया और छोटे छोटे रोल के लिए धक्के खाने लगा। क्या आपको पता है, इस अभिनेता का एक फैसला इनका पूरा करियर अर्श से फर्श पर ले आया था। चलिए आज हम आपको इस टीवी स्टार की अनसुनी कहानी और वो गलती बताते हैं जो इनको बर्बाद कर गई। आज से 20-21 साल पहले टीवी पर एक ही नाम छाए रहता था, सुजल गरेवाल, जिस रोल को निभाया था राजीव खंडेलवाल ने। सुजल बने राजीव का 2003 में टीवी पर राज हुआ करता था। लाखों चाहने वाले उनको अपना सुपरस्टार समझा करते। वैसे जिस सीरियल कहीं तो होगा ने इस अभिनेता को रातों रात आसमान पर चढ़ा दिया था, वो इनको मिला कैसे था पता है? हुआ ये कि 16 अक्टूबर 1975 को जन्मे राजीव खंडेलवाल अहमदाबाद से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, मगर बनना हमेशा से हीरो ही चाहते थे। पढ़ाई खत्म हुई तो मुंबई और दिल्ली के चक्कर लगाने लगे, मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और मुंबई में एड फिल्म करते फिर दिल्ली चले आते। 2002 के आसपास की बात है, दिल्ली में थे। एक दिन अखबार में देखा कि बालाजी टेलीफिल्म्स वाले अपने नए शो के लिए ऑडिशन लेने वाले थे। SRSD कॉलेज में ऑडिशन चल रहा था। राजीव ने भी सोचा चलो ट्राई मार आते हैं। अगले दिन पहुंचे तो देखा वहां तो पूरी दिल्ली ही ऑडिशन देने पहुंच गई थी। घबराकर वापस जाने को मुड़े ही थे कि तभी वहां प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर विशाल मेहरा की नजर उन पर पड़ गई। विशाल ने टीम से बोला वो लड़का कौन था उसे बुलाओ। राजीव वापस आए तो विशाल ने बोला तुम ऑडिशन दो, मैं तुमको भीड़ से हटा देता हूं। राजीव को भीड़ से हटाकर विशाल बोले तुम दो ऑडिशन दे दो, एक सुजल का है दूसरा पीयूष का। राजीव ने सोचा होना तो कुछ है नहीं, फिर भी कैमरा टेस्ट दे दिया और वापस चले आए। 4 दिन बाद किस्मत से बालाजी वालों का कॉल आ गया और उनको ऑफिस बुला लिया गया। वहां एक दूसरा ही शो दे दिया। क्या हादसा, क्या हकीकत। राजीव ने पूछा सुजल वाले रोल का क्या हुआ तो पता लगा वो पहले ही किसी दूसरे को दिया जा चुका है। खैर, राजीव ने पहली बार बालाजी वालों का शो किया। फिर अचानक एक दिन एकता कपूर ने बुलाया और बोली मैं चाहती हूं कि तुम कहीं तो होगा में सुजल का रोल करो, जो अभी सुजल बना है उसको हटाने जा रही हूं। बस राजीव ने फौरन हाँ बोल दी और मिल गया उनको लाइफ का सबसे बड़ा किरदार। कहीं तो होगा में सुजल बने राजीव की एंट्री और कशिश बनी आमना शरीफ की जोड़ी ने दर्शकों का दिल लूट लिया। एक ही किरदार कैसे किसी को सुपरस्टार बना देता है, ये राजीव को पहली बार पता लगा। हर जगह राजीव के चर्चे होने लगे। सुजल हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में मशहूर हो गया। टीवी शोज की बरसात सी हो गई। टाइम बॉम्ब, डील या नो डील, लेफ्ट राइट लेफ्ट से लेकर कई शो मिल गए। पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर ने तो इनको 2006 में अपने देश के शो सुन लेना में भी ले लिया। कहीं तो होगा क्या किया, राजीव खंडेलवाल का बस जलवा हो गया। लड़कियां तो इनकी ऐसी दीवानी कि इनके ऑटोग्राफ के लिए घंटों लाइन लगाए रहती। बड़े बड़े ऑफर आते, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इनके घर के आगे चक्कर लगाने लगते। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया की कोई भी बड़ी पार्टी होती तो राजीव खंडेलवाल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता। महंगी कारें, बड़े बंगले, सबके ये मालिक हो गए। सब बहुत अच्छा चल रहा था,
मगर फिर एक दिन ऐसी बदकिस्मती आई कि इनके करियर का सूरज भी डूब गया। हुआ ये कि टीवी पर सुपरस्टार जैसा रुतबा था तो बॉलीवुड से भी ऑफर आ गए। टीवी छोड़कर 2008 में हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने निकल गए। बस अच्छा खासा टीवी करियर छोड़कर फिल्मी हीरो बनने का फैसला ही राजीव का पूरा करियर ले डूबा। उन्होंने पहले आमिर फिल्म की, खूब एक्टिंग की तारीफ हुई, मगर ऐसा वक्त पलटा कि सब बर्बाद हो गया। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर ने बुलाया और एक शानदार फिल्म ऑफर कर दी। राजीव ने फौरन हाँ कर दी। फिल्म को लेकर वो पूरे साल तैयारी करते रहे, लेकिन साल भर बाद पता लगा कि वो फिल्म नहीं बनेगी। राजीव ने वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं मिला। खैर, एक बड़े बैनर की दूसरी फिल्म इसके बाद ऑफर हुई, मगर बदकिस्मती का दौर था। राजीव को स्क्रिप्ट समझ नहीं आई और उन्होंने ना कर दिया। बाद में वो फिल्म रिलीज हुई और बम्पर हिट हो गई। एक दिन उस फिल्म के डायरेक्टर इनसे मिले तो उनकी हंसी भी उड़ाई कि ये रोल तुमको हीरो बना सकता था, मगर तुमने ये रोल ठुकरा दिया था। खैर, वहीं जिन फिल्मों को उन्होंने एक्सेप्ट किया वो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शैतान, साउंड ट्रैक, विल यू मैरी मी, टेबल नंबर 21, इश्क एक्चुअली और पीटर गया काम से जैसी फ्लॉप फिल्में देकर राजीव के नाम के आगे महाफ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया। बदनसीबी ने 2003 के टीवी सुपरस्टार को कुछ ही सालों में सुपर फ्लॉप एक्टर बना डाला। इसके बाद राजीव खंडेलवाल को छोटे मोटे रोल ऑफर होने लगे। मरता क्या ना करता की तर्ज पर राजीव इन छोटे मोटे रोलों को करने लगे और धीरे धीरे अपने करियर की गाड़ी आगे घसीटने लगे। मगर धीरे धीरे उनका पूरा करियर अर्श से फर्श पर आ गया और राजीव खंडेलवाल धीरे धीरे गुमनाम हो गए। ऐसा नहीं है कि ये अब एक्टिंग नहीं करते हैं। राजीव खंडेलवाल अब भी बॉलीवुड की दुनिया में सक्रिय हैं, लेकिन अब इनको छोटे मोटे रोल ही मिलते हैं और अब ये शानदार एक्टर इन दिनों बस छोटी मोटी वेब सीरीज में धक्के खाते हुए नजर आता है। काश इन्होंने अच्छा खासा टीवी करियर छोड़कर बॉलीवुड हीरो बनने का सपना न देखा होता तो शायद आज राजीव खंडेलवाल टीवी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम होते और लोग आज भी इनका नाम वैसे ही लिया करते जैसे एक जमाने में इनका नाम हुआ करता था। दोस्तों, आपको राजीव खंडेलवाल कैसे लगा करते थे? उनका कौन सा सीरियल या फिल्म आपको पसंद आई थी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।